आइए हम इस मेले में लगे कुछ स्टॉल से पूछते हैं कि वो स्टॉल पे क्या लगा है। आइए मैं आपको इनसे बात करवाती हूँ आपके स्टॉल पे क्या लगे। मेरा इस स्टॉल पे पिन्ने का कपड़ा, हम लोग का जो ट्राइब का गालू गाले या बेग वगैरह वगैरह जरूरी। कुछ बताना चाहिएगा इन सब के बारे में? इस सब का बारे में हम लोग ये सब अपना से खुद बनाता है आश्रम पे बच्चा लोग जो, और जो विधवा औरत उन लोग बनाती है ये सब। और इन कपड़ों के बारे में? कपड़ा हम लोग का ये होता है एंजॉय पे जो साइड लाइन साइड मेरे उन लोग बनाते हैं। और आपको यहाँ आके कैसा लगे? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा है। और पब्लिक आपको कैसा लगा, मतलब पसंद कर रहे हैं आपके सामान? उन लोग थोड़ा थोड़ा, लेकिन दाम ज़्यादा हो रहे हैं उन लोग के लिए, तो इसलिए उन लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। फिर हम लोग भी इतना दूर से आया है, कम दाम पे देने नहीं सक रहे। आप खुश हैं? हाँ हम खुश हैं। आप अपने स्टॉल के काम से बताना चाहिए? दो महीना अगर लगातार देखिए पूरा बैलेंस। ट्राइबल मेडिसिन का स्टॉल है, हम लोग हिंदू से हैं, तो जितना भी मेडिसिन यहाँ बनता है हम लोग का पारंपरिक आदिवासी यानी ट्राइबल आदिवासी चिकित्सा पद्धति से दवाई हम लोग बनाते हैं। और दवाई से सारे हम लोग का शरीर में जो भी बीमारी होता है वो तो बीमारी का इलाज है। इसमें आपका हम लोग का जो मेडिसिन में केमिकल बिल्कुल नहीं मिला, ये बिल्कुल एकदम पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के तौर पर ही बनता है। और यहाँ का मेडिसिन खा के लोग 80% करीब आदमी रिजल्ट आया है। तो ये हम लोग ने करीबन काम शुरू करके ये 10 वर्ष 10 वर्ष के उपरांत में ये हम लोग करीब 8 जिला में काम फैला। तो ट्राइबल मेडिसिन एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और पारंपरिक दवाई है जो शरीर के हर बीमारी के लिए लाभदायक। एक्चुअली मैं आपको दूसरे स्टॉल पे ले जाती हूँ, यहाँ पे कुछ लगे हुए हैं, आइए मैं आपको उनसे कुछ बात करूँ। ये स्टॉल जो है हम लोग का मुंडा समुदाय के तहत पर है, और ये एक्चुअली हम लोग इसको खाते पीते हैं। और ये जो है या दिख रहा है जो भी खाद्य पदार्थ है ये दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे शॉप इज बेटर शॉप, ऑलवेज वी आर कीपिंग एवरी टाइम वी आर कीपिंग इन दिस मेला, स्वदेशी मेला आल्सो वी आर कीपिंग एंड द टिस्को मेला अर्बन मेला आल्सो वी आर कीपिंग। इफ एनी मेला कमिंग जमशेदपुर वी आर ऑलवेज कीपिंग आवर शॉप। And whatever products you we are have pure hand loom and detergent products are there. Do you want to say about this clothes? This our is jacquard. This is jacquard fabric. This is going outside India, mane US and UK, everywhere it's going. We are buying from south. Direct we are buying with the mill. That's why we are giving very cheap rate. Same cloth. Fab India is giving 2,000, but I am giving only 1,000 rupees in 2 kilograms. Okay, thank you. मैं रिंकी बारी, कैमरामैन प्रद्युत शाह के साथ रुशिका टीवी। आइए मैं आपको गदबा ग्रुप की कुछ लड़कियों से बात करवाना चाहूँगी। आपका नाम? बदली मास है। और आपकी ग्रुप का नाम? गदबा। और आप यहाँ डांस करने आए तो कौन सा डांस फॉर्म करना है? जो गदबा डांस। और आपका परफॉर्मेंस हो चुका है या होने वाला है? और आपको यहाँ डांस करके कैसा लगा? भालू लगे। और यहाँ का पब्लिक आपको मतलब कैसा लगा? वहाँ डांस जब देखे बोलूँ तो आपको बोलूँ खुश थे आप लोग का डांस देख के? आप लोग भी खुश है? आइए मैं आपका अरुणाचल प्रदेश से आए हुए ग्रुप डांस के बात करवाती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम जूली पांगुन है, हम लोग अरुणाचल से आया है यहाँ ग्रुप डांस दिखाने के लिए। आपका ग्रुप नेम? हम लोग का ग्रुप का नेम है आदमी निकली। और आप अपने कॉस्ट्यूम के बारे में कुछ बताना चाहिएगा? जी हाँ, हम लोग का ये गाले बोलता है, ये पहनने वाला चीज़ को गाले बोलता है, उसके बाद इसको गालू बोलता है कपड़ा, कपड़ा जो हम लोग कपड़ा पहन रहा है। और हम लोग का ये सब मतलब ट्रेडिशनल ड्रेस है, और इसको हम लोग ताडो बोलते हैं, उसके बाद इसको हम लोग ये बोलता है नोक।
उसका बाद में इसको गोलकोटा बोल और इसको सुनबी। और यहाँ आके आप लोग कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है और इतना सुंदर है हम लोग को देखने के लिए मिला है। मैं रिंकी बारी, कैमरामैन प्रत्युष राज के साथ रुशिका टीवी।